नमस्कार, जिस शुभम साहू और आप देख रहे हैं हम सब के YouTube चैनल TWP ट्यूटर विदाउट पाठशाला। आज हम लोग बात करने वाले जादवपुर यूनिवर्सिटी के बारे में। जादवपुर यूनिवर्सिटी का हम लोग पूरा ऑनेस्ट रिव्यू हम लोग करने वाले हैं। और जादवपुर यूनिवर्सिटी में हम पहले देखेंगे, हम लोग पहला बात NRF रैंकिंग क्या है जादवपुर यूनिवर्सिटी का। सेकेंड है कैंपस डिटेल्स, मीन्स नंबर ऑफ कैंपस कितना है जादवपुर यूनिवर्सिटी में वो देखेंगे। थर्ड है नंबर ऑफ ब्रांचेस, कितना नंबर ऑफ ब्रांचेस है और कौन से ब्रांचेस कौन कौन से कैंपस में है वो हम लोग देखने वाले हैं। और फोर्थ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मीन्स क्या क्राइटेरिया है जेयू में एडमिशन लेने का वो हम लोग देखने वाले हैं। और फिफ्थ क्लब्स एंड सोसाइटीज, मीन्स कौन से क्लब्स एंड सोसाइटीज एक्टिव है, कौन से क्लब्स एंड सोसाइटी इनएक्टिव है उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। सिक्स्थ है फेस्ट, कौन से फेस्ट होते हैं हम लोग यूनिवर्सिटी में वो देखेंगे। और सेवन्थ है स्पोर्ट्स इवेंट्स, मीन्स क्या क्या स्पोर्ट्स इवेंट्स होता है हम लोग के कॉलेज में, सारा डिटेल्स में हम लोग देखने वाले हैं। और एट्थ है फीस स्ट्रक्चर, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग जादवपुर यूनिवर्सिटी में फीस स्ट्रक्चर, उसके बारे में डिटेल्स में देखेंगे। प्रूफ देखने वाले हैं कि कितना फी हम लोग जादवपुर यूनिवर्सिटी में वो हम लोग देखने वाले हैं। और नाइन है प्लेसमेंट, हम लोग प्लेसमेंट का पूरा डिटेल्स देखेंगे। 2020 का प्लेसमेंट के सिनेरियो क्या रहा इस बार वो भी देखने वाले हैं हम लोग। और टेंथ है स्ट्रीम वर्सेस क्लोजिंग रैंक, मीन्स कितना रैंक में हम लोग कौन सा स्ट्रीम मिल सकता है वो हम लोग देखने वाले हैं। और लास्ट देखने वाले हैं प्रोज एंड कॉन्स, मीन्स जादवपुर यूनिवर्सिटी का क्या क्या प्रोज है, क्या क्या कौन से हम लोग जादवपुर यूनिवर्सिटी में वो हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ तक मैं ही नहीं, मैंने कुछ दोस्तों का इंटरव्यू लिया है कि जादवपुर यूनिवर्सिटी का क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स है वो भी मैं दिखाने वाला लास्ट में वीडियो में। तो वीडियो में पूरा बने रहना, स्किप मत करना वीडियो को, तभी तुम लोग डाउट सारे क्लियर हो पाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जादवपुर यूनिवर्सिटी के बारे में जान लेते हैं। जादवपुर यूनिवर्सिटी इज ए पब्लिक स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटी, मीन्स पब्लिक यूनिवर्सिटी मीन्स गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और स्टेट फंड करता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट फंड नहीं करता है, ये स्टेट गवर्नमेंट फंड करता है जादवपुर यूनिवर्सिटी को। स्टेबलाइज्ड ऑन 24th of December 1955 को स्टेबलाइज्ड हुआ था 24 दिसंबर को। वैरायटी ऑफ कोर्सेज ऑफर्स इन द फील्ड लाइक साइंस आर्ट्स इंजीनियरिंग, जादवपुर यूनिवर्सिटी बहुत सारे कोर्सेज ऑफर करता है, जैसे साइंस हो गया, आर्ट्स हो गया, इंजीनियरिंग। पर हम लोग यहाँ सिर्फ इंजीनियरिंग के बारे में बात करने वाले हैं। इंजीनियरिंग के बारे में सारे डिटेल्स हम लोग देखेंगे यहाँ पर। ओके, पहला का NIRF रैंकिंग एज पर 2020 जादवपुर यूनिवर्सिटी का NIRF रैंकिंग क्या है हम लोग देखते हैं। फिफ्थ इन यूनिवर्सिटी, मीन्स अगर तुम लोग यूनिवर्सिटी में देखोगे तो फिफ्थ आता है ओवरऑल इंडिया में। 17th इन इंजीनियरिंग, मीन्स इंजीनियरिंग कॉलेज में देखोगे तो 17th। और 12th इन ओवरऑल कैटेगरी, मीन्स अगर साइंस आर्ट्स इंजीनियरिंग सारा डिपार्टमेंट को मिलाकर देखोगे तो 12th इन ओवरऑल कैटेगरी आता है हम लोग का जादवपुर यूनिवर्सिटी। ओके, देखो हम लोग को NIRF रैंकिंग इतना अफेक्ट नहीं करता है कोई भी कॉलेज को चूज करने में। मैं एक चीज इस वीडियो के थ्रू बोलना चाहता हूँ कि NIRF रैंकिंग को देख के कोई भी कॉलेज को डिसाइड मत करना, क्योंकि देखना बहुत सारे यूनिवर्सिटी और कॉलेज बहुत सारे IITs और NITs से भी ऊपर होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ NIRF रैंकिंग से हम लोग कॉलेज डिसाइड करना चाहिए, बहुत सारा क्राइटेरिया होता है कॉलेज डिसाइड करने का। तो वो चीज हम लोग देखेंगे जादवपुर यूनिवर्सिटी के बारे में। ओके, अब आता है कैंपस डिटेल्स। जादवपुर यूनिवर्सिटी प्रेजेंट्स ऑपरेट टू अर्बन कैंपसेस, मीन्स जादवपुर यूनिवर्सिटी का दो कैंपस है, एक जादवपुर यूनिवर्सिटी मेन कैंपस जो जादवपुर में लोकेट है और एक जादवपुर यूनिवर्सिटी सॉल्ट लेक कैंपस जो सॉल्ट लेक में लोकेट है। ठीक है, अब तुम लोग के मन में क्वेश्चन आता होगा कि ये दोनों कैंपस में क्या डिफरेंस है। तो देखो दोनों कैंपस में कोई डिफरेंस नहीं है, बस कुछ बेसिक डिफरेंस हम लोग का दोनों कैंपस में है। हाँ, वो चीज हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तो इसे तुम लोग घबराने की जरूरत नहीं है, तो कोई भी एक कैंपस से मिल जाए, जादवपुर यूनिवर्सिटी एक ही यूनिवर्सिटी है, बस इसे दो कैंपस में डिवाइड किया गया है। तो पहला क्या, जादवपुर यूनिवर्सिटी मेन कैंपस जो 58 एकड़ में स्टेबलाइज्ड है। और सेकंड है जादवपुर यूनिवर्सिटी सॉल्ट लेक कैंपस जो 26 एकड़ में स्टेबलाइज्ड है। अब बेसिक डिफरेंस दोनों जादवपुर यूनिवर्सिटी मेन कैंपस और जादवपुर यूनिवर्सिटी सॉल्ट लेक कैंपस में क्या है वो देखते हैं। पहला क्या, डाइवर्सिटी इज मोर, मीन्स जादवपुर यूनिवर्सिटी मेन कैंपस में साइंस डिपार्टमेंट, आर्ट्स डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, तीनों ही डिपार्टमेंट जादवपुर यूनिवर्सिटी मेन कैंपस में है। पर जादवपुर यूनिवर्सिटी सॉल्ट लेक कैंपस में सिर्फ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, वो भी सारा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट नहीं, सिर्फ 5 इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है हम लोग का जादवपुर यूनिवर्सिटी सॉल्ट लेक कैंपस में। जितना भी नए नए ब्रांचेस आए हैं जैसे हम लोग IT, प्रिंटिंग, कंस्ट्रक्शन, ये सब सारा जादवपुर यूनिवर्सिटी सॉल्ट लेक कैंपस में है। तो हम लोग आगे देखेंगे कौन से ब्रांच जादवपुर यूनिवर्सिटी मेन कैंपस में और जादवपुर यूनिवर्सिटी सॉल्ट लेक कैंपस में है, वो हम आगे देखने वाले हैं। ओके, और सेकंड है ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स आर हियर, मींस जादवपुर यूनिवर्सिटी मेन कैंपस में जितना भी एडमिनिस्ट्रेटर्स है सारा का ऑफिस जादवपुर यूनिवर्सिटी मेन कैंपस में है, पर जादवपुर यूनिवर्सिटी सॉल्ट लेक कैंपस में कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर का ऑफिस नहीं है। और थर्ड बेनिफिट क्या है जादवपुर यूनिवर्सिटी मेन कैंपस का, नंबर ऑफ कैंटीन आर मोर, मीन्स अगर तुम कंपेयर करो जादवपुर यूनिवर्सिटी सॉल्ट लेक कैंपस से और जादवपुर यूनिवर्सिटी मेन कैंपस से तो बहुत डिफरेंस मिलेगा नंबर ऑफ कैंटीन में। मीन्स जादवपुर यूनिवर्सिटी सॉल्ट लेक कैंपस में सिर्फ एक कैंटीन है और जादवपुर यूनिवर्सिटी मेन कैंपस में तुमको 8 से 9 इनफैक्ट 10 से 12 तुम लोग को कैंटीन मिल जाएगा। मीन्स तुम समझ सकते हो कि मेरा डिपार्टमेंट जादवपुर यूनिवर्सिटी मेन कैंपस में, फिर भी आज तक मैंने सारा कैंटीन को एक्सप्लोर नहीं किया है। तो तुम लोग इसी से डिफरेंस कर सकते हो जादवपुर यूनिवर्सिटी मेन कैंपस का कैंटीन और जादवपुर यूनिवर्सिटी सॉल्ट लेक कैंपस। मीन्स जादवपुर यूनिवर्सिटी सॉल्ट लेक कैंपस में सिर्फ एक कैंटीन है और जादवपुर यूनिवर्सिटी मेन कैंपस में 10 से 12 मत 12 से ज्यादा भी सोते हैं। मीन्स आज तक मैंने भी पूरा कैंटीन को एक्सप्लोर नहीं किया, सारा का सारा कैंटीन को। ओके, और सेकंड है जादवपुर यूनिवर्सिटी सॉल्ट लेक कैंपस।
अब इसे सॉल्ट लेक कैंपस का कुछ तो कुछ बेनिफिट होगा। क्या क्या बेनिफिट है हमें सॉल्ट लेक कैंपस में? पहला क्या है, सीएबी क्रिकेट ग्राउंड मीन्स क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल का क्रिकेट ग्राउंड हम लोग का जादवपुर यूनिवर्सिटी सॉल्ट लेक कैंपस में है। मीन्स बहुत सारे क्रिकेटर्स जैसे धोनी आए थे, युवराज सिंह, हरभजन सिंह सारे आके यहाँ खेल के गए हुए हैं। और जो आईपीएल टीम है कोलकाता का, कोलकाता नाइट राइडर, सारे के सारे प्लेयर्स वहाँ प्रैक्टिस करने जाते हैं सीएबी क्रिकेट ग्राउंड। तो इससे लोग एक ही बेनिफिट है कि अगर मान लो कोई अच्छा स्टार प्लेयर आता है, स्टार क्रिकेटर आता है, तो सेल्फी वगैरह ले सकते हो और कभी भी लोगों को प्रैक्टिस दे सकते हो, कुछ सीख सकते हो लोगों से। तो ये बेनिफिट है यादव यूनिवर्सिटी सॉल्ट लेक कैंपस का। ओके, सेकंड आता है ओनली 5 इंजीनियरिंग ब्रांचेस इज इन दिस कैंपस। मींस सिर्फ 5 इंजीनियरिंग ब्रांचेस है सॉल्ट लेक कैंपस में, ना ही कोई साइंस स्ट्रीम का ब्रांचेस है, ना ही कोई आर्ट स्ट्रीम का ब्रांचेस है, सिर्फ इंजीनियरिंग के 5 ब्रांचेस है सॉल्ट लेक कैंपस में। तो तुम लोग को यहाँ लाइट एनवायरमेंट मिलने वाला है यादव यूनिवर्सिटी सॉल्ट लेक कैंपस में। अगर तुम लोग मेरा ओपिनियन लोगे कि कौन सा कैंपस चूज करना चाहिए दोनों कैंपस में से, अगर हम लोग को ऑप्शन मिलता है चूज करने का, तो मैं बोलूंगा मेन कैंपस। मीन्स देखो क्या जादवपुर यूनिवर्सिटी सॉल्ट लेक कैंपस में वो शांत रहता है, वो मतलब कोई तुमसे बात नहीं करने वाला है, मतलब सिर्फ 5 इंजीनियरिंग ब्रांचेस है और कोई नहीं है। और यहाँ क्या जादवपुर यूनिवर्सिटी मेन कैंपस में दिन भर सुबह से शाम तुमको क्राउड मिलेगा, मीन्स कोई ना कोई तुमको यूनिवर्सिटी मिलने वाला है, तुमको अकेलापन कभी फील नहीं होने वाला है जादवपुर यूनिवर्सिटी मेन कैंपस है। पर जादवपुर यूनिवर्सिटी सॉल्ट लेक कैंपस में क्या होगा, जैसे ही कॉलेज खत्म हुआ वहाँ पर पूरा सॉल्ट लेक कैंपस पूरा खाली हो जाता है। पर जादवपुर यूनिवर्सिटी मेन कैंपस वैसा नहीं है, हमेशा क्राउड रहता है, हमेशा कोई ना कोई तुमको खेलते हुए दिखेगा या कोई ना कोई पढ़ते हुए दिखेगा, कोई ना कोई तुम लोग जादवपुर यूनिवर्सिटी मेन कैंपस में तुम लोग दिखने वाला है, चाहे वो 10 बजे रात हो या सुबह 6 बजे हो, तुम लोग को दिखने वाला है कोई ना कोई। ओके, इससे बेनिफिट क्या है, जब कभी तुम लोग को मन ना लगे अपने फ्लैट्स में, हॉस्टल में, तो तुम लोग आराम से यूनिवर्सिटी कैंपस जा सकते हो, आराम से बैठ सकते हो, खेल सकते हो, आराम से एंजॉय कर सकते हो। इसका सबसे मेन बेनिफिट जादवपुर यूनिवर्सिटी मेन कैंपस का ही है। ओके, अब इंजीनियरिंग ब्रांचेस, अब कौन से इंजीनियरिंग ब्रांचेस हम लोग आते हैं मेन कैंपस में और सॉल्ट लेक कैंपस में कौन से इंजीनियरिंग ब्रांचेस आते हैं वो हम लोग देखने वाले हैं। देखो यहाँ पर टोटल 16 इंजीनियरिंग ब्रांचेस आते हैं, उसमें 11 जादवपुर यूनिवर्सिटी मेन कैंपस में और सिर्फ 5 जादवपुर यूनिवर्सिटी सॉल्ट लेक कैंपस में है। तो जैसे मैंने बताया जादवपुर यूनिवर्सिटी मेन कैंपस में 11 ब्रांच है, तो कौन कौन से ब्रांच है देखते हैं हम लोग। बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, बैचलर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग सीएससी जिसको बोलते हैं लोग, बैचलर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। कोई कोई जगह इसको इसी बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, पर जादवपुर यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग बोला जाता है ETC। ओके, 7th है बैचलर ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, 8th है बैचलर ऑफ प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, 9th है बैचलर ऑफ मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग और 10th है बैचलर ऑफ फार्मेसी और लास्ट बैचलर ऑफ फूड टेक्नोलॉजी। ठीक है, टोटल 11 नंबर इंजीनियरिंग ब्रांचेस हम लोग को जादवपुर यूनिवर्सिटी मेन कैंपस में है। अब सॉल्ट लेक कैंपस में कौन से ब्रांच है, पहला है बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सेकंड है बैचलर ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, थर्ड है बैचलर ऑफ कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, फोर्थ है बैचलर ऑफ पावर इंजीनियरिंग और फिफ्थ है बैचलर ऑफ प्रिंटिंग इंजीनियरिंग। तुम समझ सकते हो डिफरेंस मेन कैंपस और सॉल्ट लेक कैंपस में, सिर्फ 5 इंजीनियरिंग ब्रांच है यहाँ पर और मेन कैंपस में 11 इंजीनियरिंग ब्रांच है। तो यहाँ तुम डाइवर्सिटी समझ सकते हो, किस टाइप के तुम स्टूडेंट्स मिलने वाले हैं, किस टाइप के फ्रेंड्स मिलने वाले हैं और साथ में आर्ट्स टीम और साइंस टीम दोनों ही इस कैंपस में तुमको मिलने वाले हैं। ओके, देखो अब आता है एडमिशन प्रोसीड्यूअर। अगर तुम लोग अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन लेना है फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में, तो तुम लोग को WBJEE का एग्जाम देना पड़ेगा, वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, और होपफुली तुम लोग WBJEE का एग्जाम दिए होंगे। अब देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है फॉर इंजीनियरिंग एंड फार्मेसी कोर्सेज। पहला क्या, कैंडिडेट्स मस्ट पास हायर सेकेंडरी 10+2 एग्जामिनेशन इन साइंस स्ट्रीम, इन साइंस स्ट्रीम में तुम लोग को +2 तुम लोग को पास करना पड़ेगा, मीन 12th बोर्ड का एग्जाम। सेकंड है इंडिविजुअल पास मार्क्स इन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एज कंपलसरी सब्जेक्ट, मीन PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में तुम लोग को पास होना पड़ेगा 12th के बोर्ड एग्जाम में। और थर्ड है मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स इन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स टेकन टुगेदर, मींस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स तीनों मिला के तुम लोग को 60% होना चाहिए 12th बोर्ड के एग्जाम में। और फॉर कैटेगरी स्टूडेंट्स 45% मार्क्स, मींस कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए 45% मार्क्स होना चाहिए एंड 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स, और 60% मार्क्स मैथमेटिक्स में कंपलसरी है। ये क्वेश्चन मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा, क्या 60% मार्क्स मैथमेटिक्स में कंपलसरी है? हाँ, 60% मार्क्स कंपलसरी है मैथमेटिक्स में, और 60% मार्क्स तुम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में भी चाहिए और 60% मार्क्स इंडिविजुअली मैथमेटिक्स में भी चाहिए, और कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए 45% मार्क्स एंड पास मार्क्स इन इंग्लिश विद मिनिमम मार्क्स ऑफ 30% फॉर ऑल कैटेगरी स्टूडेंट्स, मैं सारा कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए 30% मार्क्स तुम्हें इंग्लिश में जरूरी है और पास होना जरूरी है। अब आता है फॉर आर्किटेक्चर कोर्सेज। पहला क्या, कैंडिडेट्स मस्ट पास हायर सेकेंडरी 10+2 एग्जामिनेशन इन साइंस स्ट्रीम, मीन साइंस स्ट्रीम में 10+2 का एग्जामिनेशन तो बोर्ड एग्जाम पास होना पड़ेगा। सेकंड है मिनिमम 50% मार्क्स इन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। देखो इंजीनियरिंग और फार्मेसी कोर्सेज के लिए 60% मार्क्स कंपलसरी था फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में,
पर आर्किटेक्चर कोर्सेज के लिए 50% मार्क्स कंपलसरी है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में, और थर्ड मिनिमम 50% मार्क्स इन द एग्रीगेट ऑफ द 10 प्लस 2 एग्जामिनेशन, मींस तुम लोग 50% मार्क्स 12th बोर्ड में तुम लोग को चाहिए, और 37% मार्क्स फॉर कैटेगरी स्टूडेंट्स। देखो इंजीनियरिंग और फार्मेसी कोर्सेज के लिए 60% मार्क्स कंपलसरी था, पर आर्किटेक्चर कोर्सेज के लिए 50% मार्क्स जनरल स्टूडेंट्स के लिए, और कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए 37% मार्क्स। ओके, और लास्ट क्या, कैंडिडेट्स मस्ट क्वालिफाई इन नाटा और इन पेपर टू ऑफ जेई मेंस एग्जामिनेशन। एक नाटा का एग्जामिनेशन होता है, जो आर्किटेक्चर कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं वो लोगों को नाटा का एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना पड़ेगा, नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर, और सेकंड पेपर क्या है, जेई मेंस एग्जामिनेशन, दोनों में से एक पेपर तुम लोगों को क्वालिफाई करना पड़ेगा। अब आता है क्लब्स एंड सोसाइटीज। देखो फ्रेशर्स स्टूडेंट्स के लिए, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है वो लोगों के लिए क्लब्स एंड सोसाइटीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देखो तुम लोग न्यू जाओगे कॉलेज तो तुम लोग एक्सप्लोर करना चाहोगे पूरा यूनिवर्सिटी को कि कौन से क्लब्स है, कौन से कैंटीन है, तो तुम लोग बहुत सारे सीनियर्स तुम लोग क्लास आएंगे कि ये क्लब ज्वाइन करो, ये सोसाइटी ज्वाइन करो, तो तुम लोग अगर तुम लोग यहीं पर जान लो कि कौन से क्लब्स अच्छे क्लब्स हैं, कौन से क्लब्स इनएक्टिव क्लब्स हैं, कौन से क्लब्स एक्टिव क्लब्स हैं, तो तुम लोग के लिए अच्छा होगा। मैंने ये प्रॉब्लम फेस किया था कि कौन से क्लब्स और कौन से सोसाइटीज में मैं ज्वाइन करूँ, मुझे कन्फ्यूजन हो गया था कि कौन से क्लब्स को ज्वाइन करूँ, तो मुझे जादवपुर यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल साइट में बहुत सारे क्लब्स एंड सोसाइटीज के नाम मिले, पर ऐसा बहुत सारे सोसाइटी और क्लब्स है जो एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव है, मीन्स वो लोग इतना एक्टिवली काम नहीं करता है, तो मुझे जादवपुर यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल साइट है बहुत सारे क्लब्स एंड सोसाइटीज के नाम मिले, बट आफ्टर सीइंग ऑल द क्लब्स एंड सोसाइटीज मुझे लगा कि सारा सोसाइटीज एंड क्लब्स एक्टिव नहीं है, तो मैंने यहाँ पर कैटेगराइज कर दिया है कौन से क्लब्स एक्टिव है और कौन से क्लब्स इनएक्टिव है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, पहला है फोटोग्राफी क्लब, एक्टिव क्लब है, हमेशा एक्टिव रहता है। सेकंड है म्यूजिक क्लब, ये भी एक्टिव क्लब है। थर्ड है क्विज फोरम एंड डिबेटिंग सोसाइटी, वन ऑफ द एक्टिव क्लब इन आवर यूनिवर्सिटी। और फोर्थ है फिल्म सिटी, उतना एक्टिव क्लब नहीं है। फिफ्थ है ड्रामा क्लब, सिक्स्थ है आर्ट एंड लाइब्रेरी सोसाइटी, सेवन्थ है माउंटेनियरिंग एंड हाइकिंग क्लब। मैं भी माउंटेनियरिंग एंड हाइकिंग क्लब का पार्ट हूँ, मैं बोलूंगा वन ऑफ द बेस्ट क्लब है हम लोग का यूनिवर्सिटी में माउंटेनियरिंग एंड हाइकिंग क्लब। एट्थ है पेंटिंग क्लब, ये भी एक्टिव क्लब है। नाइन्थ है साइंस क्लब, ये भी एक्टिव क्लब है। टेंथ है चेस क्लब, इलेवेंथ है इन्वायरमेंट क्लब, ट्वेल्थ है कराटे क्लब, और थर्टीन है एंटरप्रीनरशिप सेल, ये भी वन ऑफ द एक्टिव क्लब्स में से आता है। बहुत सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं इस क्लब के द्वारा, मैंने भी बहुत सारे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया है इस क्लब के। और 14th है जेयू एक्सप्रेस, ये भी वन ऑफ द एक्टिव क्लब में से है। जितना भी इवेंट्स होते हैं हम लोग का यूनिवर्सिटी में, ये जेयू एक्सप्रेस उसका पार्ट रहता है। और 15th है मोटर स्पोर्ट क्लब। मोटर स्पोर्ट क्लब के बारे में तुम लोग को यूनिवर्सिटी साइट में तुम लोग को नहीं मिलेगा, ये 2-3 साल पहले ही ये क्लब स्टेबलाइज हुआ है। बहुत सारे मेरे फ्रेंड मोटर स्पोर्ट क्लब में जाते हैं, तुम लोग भी जा सकते हो, वन ऑफ द यूनिवर्स क्लब में से है हम लोग यूनिवर्सिटी में। ओके, अब आता है फेस्ट। देखो भाई, फेस्ट तो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कॉलेज लाइफ में, क्योंकि जो मेमोरीज बनता है फेस्ट के दौरान वो हमेशा हम लोग के साथ रह जाता है। तो हम लोग का कॉलेज में राजापुर यूनिवर्सिटी में दो तरह का फेस्ट होते हैं। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में दो तरह का फेस्ट होते हैं, पहला है कल्चरल फेस्ट, संस्कृति बोलते हैं जिसको, और सेकंड है टेक फेस्ट, सृजन। देखो अपना आर्ट्स डिपार्टमेंट का अलग फेस्ट होता है, जैसे हो गया संस्कृति, हो गया इब्तिदा, हो गया साइंस डिपार्टमेंट का अलग फेस्ट होता है, उल्लंघन भी अलग अलग फेस्ट होता है, पर मैं यहाँ इंजीनियरिंग का बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का फेस्ट के बारे में बता रहा हूँ। पर तुम लोग कोई भी स्ट्रीम के फेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हो, जाके अटेंड कर सकते हो, देख सकते हो, तुम लोग कोई रोकने वाला वहाँ नहीं होता है, ठीक है। तो दो तरह का फेस्ट है, कल्चरल फेस्ट संस्कृति, और टेक फेस्ट सृजन। अब आता है स्पोर्ट्स। अब स्पोर्ट्स इवेंट्स कौन कौन से होते हैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, पहला है यूटर्न, ओनली फॉर फ्रेशर्स, मींस जितना ही फ्रेशर्स स्टूडेंट आता है, जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट आते हैं, वो लोगों के लिए यूटर्न टूर्नामेंट होता है, मींस उसमें क्रिकेट, वॉलीबॉल, सारा का सारा स्पोर्ट्स खेला जाता है उसमें, और लास्ट में जिस डिपार्टमेंट का ज्यादा पॉइंट होने वाला है सारा स्पोर्ट्स में, वो डिपार्टमेंट जीत जाएगा। सेम अरीना भी होता है, पर अरीना फ्रेशर्स के लिए नहीं, सारा फोर ईयर स्टूडेंट के लिए होता है। चारों साल के स्टूडेंट मिलकर पार्टिसिपेट करते हैं डिपार्टमेंट वाइज, मींस हर डिपार्टमेंट, जैसे मान लो मैकेनिकल इंजीनियर के चारों साल के बच्चे मिलकर पार्टिसिपेट करेंगे, मान लो सीएससी के चारों साल के बच्चे मिलकर पार्टिसिपेट करेंगे, तो उसको बोलते हैं अरीना। तो अरीना है सबसे बेस्ट पार्ट है, क्रिकेट जो होता है ड्यूस बोल से खेला जाता है हम लोग को, और जो सीएबी क्रिकेट ग्राउंड सॉल्ट लेक कैंपस में है, जहां पर केकेआर प्रैक्टिस करता है, वहां पर तुम लोग को खेलने का मौका मिलने वाला है अरीना में, तो सबसे बेस्ट पार्ट अरीना का वही है। अब आता है लाइब्रेरी, तो फर्स्ट क्या, सेंट्रल लाइब्रेरी दोनों ही कैंपस में, चाहे वो सोल्ले कैंपस में हो या मेन कैंपस में, दोनों ही कैंपस में सेंट्रल लाइब्रेरी है। और सेकंड है डिपार्टमेंट लाइब्रेरी। डिपार्टमेंट लाइब्रेरी मीन्स डिपार्टमेंट वाइज लाइब्रेरी होता है, मान लो मैकेनिकल का अलग लाइब्रेरी एक है, सीएससी का अलग लाइब्रेरी होगा, प्रोडक्शन का अलग लाइब्रेरी होगा, हर डिपार्टमेंट का अलग अलग एक लाइब्रेरी होता है। एक सेंट्रल लाइब्रेरी मीन्स पूरा कॉलेज का एक लाइब्रेरी, चाहे वो आर्ट्स डिपार्टमेंट का हो, चाहे वो साइंस डिपार्टमेंट का हो, चाहे वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का हो, पूरा कॉलेज का बच्चा वहां से बुक ले सकता है सेंट्रल लाइब्रेरी से। पर डिपार्टमेंट लाइब्रेरी क्या होता है, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में लाइब्रेरी होता है, उसको बोलते हैं डिपार्टमेंट लाइब्रेरी। मीन्स मान लो तुम सीएससी में हो, तो सीएससी में क्या होगा, एक अलग डिपार्टमेंट लाइब्रेरी तुम लोग होगा, इंडिविजुअल लाइब्रेरी। ओके, अब आता है डिजिटल लाइब्रेरी भी एक ही है पूरा कॉलेज के लिए, चाहे वो आर्ट्स डिपार्टमेंट हो, चाहे वो साइंस डिपार्टमेंट हो, चाहे वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो। ओके, अब आता है फीस स्ट्रक्चर।
जादवपुर यूनिवर्सिटी हैज वन ऑफ द लोएस्ट फी स्ट्रक्चर अमंग इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन इंडिया। इससे कम फी में तुम लोग कहीं भी इंजीनियरिंग डिग्री तुम लोग को नहीं मिलने वाला पूरा इंडिया में। इससे लो फी कहीं है ही नहीं पूरा इंडिया में, कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज में, चाहे IIT चला जाओ चाहे NIT चला जाओ, इससे कम फी कहीं नहीं है। अब फी स्ट्रक्चर देख लेते हैं अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए। ट्यूशन फी ऑफ ऑल UG कोर्सेज एक्सेप्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज ₹2400 एनुअली एंड एनुअल एडमिशन एंड अदर चार्जेस। मीन्स तुम लोग 2400 पर ईयर तुम लोग लगता है अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए, कोई भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए एक्सेप्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कितना लगता है? फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोर्स ट्यूशन फीस 30,000 एनुअली। देखो 30,000 लगता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए एनुअली और 2400 लगता है एक्सेप्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इतना भी अदर ब्रांचेस है, हम लोग 2400 एनुअली लगता है। मीन्स 9600 में तुम लोग पूरा कंप्लीट हो जाएगा पूरा अंडर ग्रेजुएट कोर्स, तुम लोग चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो एक्सेप्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का 30,000 लेने का एक ही कारण है क्योंकि ये नया डिपार्टमेंट आया, मतलब ज्यादा दिन हुआ नहीं, तो इस डिपार्टमेंट को गवर्नमेंट की तरफ से उतना फंड नहीं मिल पाता है जितना बाकी डिपार्टमेंट को मिलता है। दैट इज वाई इसका फी 30,000 है। ओके, तुम लोग देख सकते हो मेरा फी स्ट्रक्चर 10,710 लगा था मेरे को एडमिशन के समय। मींस मैं 2 साल का फी इंक्लूड है प्लस एप्लीकेशन फी 5,000, जो तुम लोग काउंसलिंग के समय 5,000 देते हो वही एप्लीकेशन फी तुम लोग इसमें इंक्लूड आता है। मींस मैं 2 साल का फी दे चुका हूँ। तुम लोग देख सकते हो ये मेरा फी स्ट्रक्चर है जादवपुर यूनिवर्सिटी का, जब मैंने एडमिशन लिया था। एप्लीकेशन फीस 5,000 जो देख रहे हो तुम लोग एप्लीकेशन फी, ये तुम लोग काउंसलिंग के समय 5,000 रुपये लगता है, वही एप्लीकेशन फी 5,000 रुपीज है और 5,710 इसका 2 साल का चार्ज है। सब ट्यूशन फी हो गया, एडमिशन फी, रजिस्ट्रेशन, लाइब्रेरी डिपॉजिट, सारा मिलके 5,710 होता है प्लस एप्लीकेशन फी 5,000 रुपीज। तुम लोग समझ सकते हो मीन्स में 5,710 में मैं 2 साल का पूरा इंजीनियरिंग कोर्सेज में कंप्लीट हो जाएगा, कोई उनको फी और लगने वाला नहीं है 2 साल तक। उसके बाद नेक्स्ट 2 ईयर में हमको 4,800 और लगेगा। तुम लोग मीन 10,000 में पूरा इंजीनियरिंग कंप्लीट करने वाले हो जादवपुर यूनिवर्सिटी में पूरा 4 साल सिर्फ 10,000 में। समझ सकते हो इससे तुम लोगों को सस्ता कहीं नहीं मिलने वाला है। मतलब रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट देख रहे हो, मीन्स तुम लोग 20 लाख का जॉब मिल रहा है कॉलेज से, सिर्फ 10,000 तुम लोग फी लग रहा है। मीन्स कोई कॉलेज में ऐसा नहीं है, सिर्फ तुमको 10,000 फी लग रहा है और तुमको जॉब मिलता है 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख। मीन्स रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इसी को बोलते हैं। मीन्स तुम लोग इन्वेस्ट करो कितना 10,000 और तुमको रिटर्न कितना मिल रहा है, काफी ज्यादा। तुम लोग सोच भी नहीं सकते हो कि तुम लोग का रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है इसमें। ओके, अब आता है ट्यूशन फी वेवियर। ट्यूशन फी वेवियर स्कीम फॉर इकोनॉमिकली बैकवर्ड मेरिटोरियस स्टूडेंट्स। अब एलिजिबिलिटी क्या है ट्यूशन फी वेवियर स्कीम के लिए? स्टूडेंट्स डोमिसाइल्ड इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल हुज एनुअल फैमिली इनकम इज लेस देन 2.50 लाख फ्रॉम ऑल सोर्सेज शैल ओनली बी एलिजिबल फॉर सीट्स अंडर दिस स्कीम। तो मैं समझ ही पा रहा हूं एलिजिबिलिटी क्या है। मींस जिसका डोमिसाइल वेस्ट बंगाल में है और जिसका फैमिली इनकम 2.50 लाख से नीचे है उसको ये बेनिफिट मिलने वाला ट्यूशन फी वेवियर स्कीम। ट्यूशन फी वेवियर स्कीम इसको बोलते हैं, TFW स्कीम उसको बोलते हैं, जिसको मतलब मान लो 10,000 तुमको 4 साल का लग रहा है उससे भी तुम्हें कम लगने वाला है। मीन्स ना के बराबर, मीन्स कुछ 450 या 500 रुपीज तुम्हें लगने वाला है 4 साल के लिए। मीन्स कितना बेनिफिट है, मीन्स 450 में हमें पूरा 4 साल का कोर्स करने वाले हैं। मीन्स 450 का एक पिज्जा खा लेते हैं हम लोग और 450 में तुम्हें पूरा 4 साल का कोर्स करने वाले। तो तुम लोग का फी स्ट्रक्चर का आइडिया हो गया होगा कि कितना फी है हम लोग यूनिवर्सिटी में, जादवपुर यूनिवर्सिटी में। ओके, अब आता है हॉस्टल नंबर। हॉस्टल्स कितना है? 13 नंबर हॉस्टल टोटल है, 9 बॉयज के लिए और 4 गर्ल्स के लिए। ठीक है, अब हॉस्टल चार्ज मंथली सीट रेंट 15 रुपीज एंड मंथली इलेक्ट्रिसिटी चार्ज 10 रुपीज। मीन्स 25 रुपीज तरह हॉस्टल चार्ज है, सिर्फ 25 रुपीज तरह हॉस्टल चार्ज। मीन्स 10,000 में तुम पूरा अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हो और 25 रुपीज तुम लोग का हॉस्टल चार्ज। मीन्स इससे चीप तुम लोग को मिल ही सकता नहीं कोई भी यूनिवर्सिटी में। द पेमेंट फॉर टू मेजर मीन्स एट द हॉस्टल्स वेरीज फ्रॉम वन हॉस्टल टू अनदर एंड यू हैव टू पे एवरी मेस मील अकॉर्डिंग टू द बिल मेड बाय द स्टूडेंट्स मेस कमिटी। मीन्स रहने का चार्ज तुम लोग 25 रुपीज है और खाने पीने का जितना भी चार्ज है वो एक स्टूडेंट मेस कमेटी कंडक्ट करवाता है। और जितना भी चार्ज तुम लोग मान लो खाने पीने का नियर अबाउट तुम लोग को 1,800 to 2,000 रुपीज तुम लोग को लगने वाला है। मीन्स 2,000 रुपीज तुम लोग खाने पीने का और रहने का 25 रुपीज। मीन्स इतना चीप कोर्स में तुम लोग कहीं मिलने वाला नहीं है। और हॉस्टल का क्या प्रोसेस है, कैसे हॉस्टल के लिए अप्लाई करना है, तुम लोग जादवपुर यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर देख सकते हो, पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है कि कैसे हम लोग का हॉस्टल के लिए अप्लाई करना है। ओके, अगर तुम मेरा ओपिनियन लोगे तो हॉस्टल में रहने का एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी है। एडवांटेज ये है कि जब तुम न्यू फर्स्ट ईयर में जाओगे तो तुम लोग का कोई फ्रेंड तो रहने वाला नहीं है, कोई यूपी, कोई बिहार, कोई वेस्ट बंगाल के अलग अलग पार्ट से आने वाला है। तो अगर हॉस्टल में रहोगे तो फ्रेंड जल्दी बन पाएंगे। हॉस्टल में रहने का एक ही फायदा है कि फ्रेंड जल्दी बन पाता है। और अगर पीजी या फ्लैट में रहोगे तो थोड़ा टाइम लगता है फ्रेंड बनने में। बस एक ही बेनिफिट है हॉस्टल में रहने का, फ्रेंड जल्दी बन पाता है। और अगर पीजी या हॉस्टल में रहोगे तो थोड़ा टाइम लगता है फ्रेंड बनने में। ओके, पर मेरा ओपिनियन लोगे तो पीजी या फ्लैट में रहो, क्योंकि हॉस्टल का कंडीशन
जादवपुर यूनिवर्सिटी का उतना अच्छा नहीं है एज कम्पेयर टू अदर इंस्टीट्यूट और अदर यूनिवर्सिटी। ओके, तुम देख सकते हो कौन सा हॉस्टल है, वुमेन हॉस्टल 1, वुमेन हॉस्टल 2, वुमेन हॉस्टल 3, A1 ब्लॉक, A2 ब्लॉक, B ब्लॉक, CND ब्लॉक, GC सेंट मेमोरियल, न्यू ब्लॉक हॉस्टल, ओल्ड PG हॉस्टल, न्यू बॉयज हॉस्टल, न्यू PG कम RS हॉस्टल, सोल्डेक कैंपस हॉस्टल, सोल्डेक कैंपस वुमेन हॉस्टल। टोटल एकोमोडेशन कितना है 1876 फॉर मेन स्टूडेंट्स, 254 फॉर वुमेन स्टूडेंट्स, 622। ओके, तो तुम लोग अगर पूरा प्रोसेस जानना है कि कैसे हॉस्टल अप्लाई करना पड़ता है तो तुम लोग ऑफिशियल वेबसाइट में जा सकते हो जादवपुर यूनिवर्सिटी की। ओके, अब हम लोग देखने वाले इस समय का मोस्ट डिमांडिंग चीज स्ट्रीम वर्सेस क्लोजिंग रैंक। मींस हम लोग हर एक राउंड का, हर एक डिपार्टमेंट का क्लोजिंग रैंक कितना गया है, हर कैटेगरी का हम लोग देखने वाले हैं। ओके, देखो तुम लोग राउंड 1 का देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो तुम लोग। जनरल ऑल इंडिया क्लोजिंग रैंक, जनरल वेस्ट बंगाल क्लोजिंग रैंक, ओबीसी ए क्लोजिंग रैंक, ओबीसी बी क्लोजिंग रैंक, एससी क्लोजिंग रैंक, एसटी क्लोजिंग रैंक, TFW क्लोजिंग रैंक। देखो मुझे बहुत सारा कमेंट्स और इंस्टाग्राम में मैसेज आ रहे थे कि TFW के लिए रैंक क्या है भैया बता दीजिए। तुम लोग देख सकते हो TFW का रैंक आर्किटेक्चर के लिए क्या है, बी फार्मा के लिए, केमिकल इंजीनियरिंग के लिए, सिविल इंजीनियरिंग के लिए, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग के लिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, मैकेनिकल के लिए, प्रिंटिंग के लिए, मेटलर्जी के लिए, पावर के लिए, प्रोडक्शन के लिए। देखो इंस्ट्रूमेंटेशन और केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट है हम लोग का जादवपुर यूनिवर्सिटी में। हम लोग इसको ध्यान देते नहीं, वैल्यू देते नहीं इंस्ट्रूमेंटेशन है, केमिकल इंजीनियरिंग है, सिर्फ CSE है, हम लोग IT पे ध्यान देते हैं, पर इंस्ट्रूमेंटेशन और केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट हम लोग जादवपुर यूनिवर्सिटी में। तुम लोग देख सकते हो उसका रैंक कितना गया है, मेरे को राउंड 1 301, 539, 3174, 138, 1386, 5666, 247, 5898। ओके, तुम लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो और देख सकते हो राउंड 1 का रैंक। ओके, राउंड 2 का देख लो, अब आता है राउंड 3, राउंड 3 का भी तुम लोग देख सकते हो। ओके, अब आता है प्लेसमेंट, बहुत ही फालू और मचाओ प्लेसमेंट है भाई। मीन्स इतना लो कॉस्ट में पढ़ने के बाद इतना मचाओ प्लेसमेंट तुम लोगों को कोई भी यूनिवर्सिटी में मिलने वाला नहीं है। तुम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि इतना लो कॉस्ट में इतना मचाओ प्लेसमेंट तुम लोग मिल सकता है। तुम लोग देख सकते हो केमिकल इंजीनियरिंग में 70 स्टूडेंट्स एलिजिबल थे प्लेसमेंट में बैठने के लिए, उसमें 62 प्लेस्ड थे, टोटल ऑफर 73, एवरेज पैकेज कितना है 5.92 और हाईएस्ट पैकेज कितना है 17.2। सिविल इंजीनियरिंग को से तुम लोग देख सकते हो, CSE का तुम लोग CSE में 60 एलिजिबल थे और 60 पूरा प्लेस्ड हो गए CSE में, और हाईएस्ट पैकेज देखो 42 लाख और एवरेज पैकेज कितना 19.96। कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग का तुम देख सकते हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सेम वैसे ही है। पता नहीं क्यों इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का हाईएस्ट पैकेज 27 लाख दिखा रहा है, पर मुझे पता है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का हाईएस्ट पैकेज 58 लाख गया है। हम लोग के साथ एक भैया क्रिकेट खेलते थे, उन्हीं का 58 लाख पैकेज गया है, पर यहां डेटा में शो नहीं कर रहा है। पर कोई नहीं, तुम लोग को अगर डिटेल्स में जानना है प्लेसमेंट के बारे में तुम लोग मुझे इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो @shubham_twp में, क्योंकि मैं यहाँ डिस्क्लोज नहीं कर सकता सारा डाटा प्लेसमेंट के बारे में। अगर तुम लोग को जानना है इंडिविजुअली प्लेसमेंट के बारे में तो मुझे DM कर सकते हो इंस्टाग्राम में। ओके, सेम ETC को देखो, 55 में 51 प्लेस हो गए हैं, FTVE में 24 में 13, इंस्ट्रूमेंटेशन में 39 में 35। मैंने तुम लोगों को कहा था ना कि इंस्ट्रूमेंटेशन वन ऑफ द बेस्ट ब्रांच है हम लोग जादवपुर यूनिवर्सिटी में। देखो 39 स्टूडेंट्स में 35 प्लेस्ड हो चुके हैं। अब मैकेनिकल में 82 में 71, IT में 64 में 52, मेटलर्जी में 30 में 16, फार्मेसी में 40 में 30, प्रोडक्शन में 38 में 30, प्रिंटिंग में 23 में 21, पावर 33 में 24। मीन 33 स्टूडेंट्स एलिजिबल था प्लेसमेंट के लिए, उसमें 24 बच्चा का प्लेस्ड हुआ है। ओके, हाईएस्ट पैकेज कितना है 8.41। देखो अब तुम लोग देख सकते हो सम ऑफ द टॉप रिक्रूटर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट क्या है, अमेजोन, एयरटेल, बजाज ऑटो, कैपजेमिनी, CSE, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये सब हम लोग वन ऑफ द बेस्ट कंपनी हम लोग कॉलेज से रिक्रूट कर ले जाता है। ओके, अब देखो कॉलेज है तो उसका कुछ ना कुछ प्रोज एंड कॉन्स तो होगा ही, क्या अच्छा है क्या खराब है तो उसको हम लोग देखेंगे, हम लोग क्या क्या प्रोज है क्या क्या कौन से, ठीक है? ये मेरा ओपिनियन है, पर्सनल ओपिनियन, क्या क्या प्रोज है क्या क्या कौन से, और किसी का अलग ओपिनियन हो सकता है वो भी हम लोग आगे देखेंगे। मेरे दोस्त लोगों का क्या क्या ओपिनियन है कि क्या क्या प्रोज है क्या क्या कौन से वो भी हम लोग आगे देखने वाले हैं। ओके, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोज क्या क्या है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, मीन्स इतना कम फी में तुम लोग इतना बेस्ट हम लोग को प्लेसमेंट मिल रहा है, ये तुम लोग को कोई भी कॉलेज में मिल सकता नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, मीन्स इतना कम फी में इतना अच्छा प्लेसमेंट, इतना अच्छा पैकेज तुम लोग को कहीं नहीं मिलेगा। और सेकंड है एलुमनी सपोर्ट, मीन्स एलुमनी मतलब पास आउट स्टूडेंट्स, मीन्स जो पास आउट स्टूडेंट का जो सपोर्ट हम लोग को यूनिवर्सिटी में, चाहे वो कोई प्रोजेक्ट हो चाहे कोई इवेंट हो, सारा में पास आउट स्टूडेंट्स हम लोग को सपोर्ट करता है, चाहे वो मनी हो गया चाहे वो एडवाइस हो गया कोई भी चीज के लिए, मीन सारा चीज में पास आउट स्टूडेंट्स हम लोग को हेल्प करता है जूनियर्स को। ओके, अब थर्ड है PSU डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, मीन्स PSU मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, मीन्स
कुछ कुछ PSUs जैसे हो गया गेल हो गया वेल हो गया, ये सब PSUs है, मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मीन्स गवर्नमेंट कंपनी है, ये डायरेक्ट रिक्रूट करता है हम लोग कॉलेज से। जैसे मैकेनिकल डिपार्टमेंट हो गया, प्रोडक्शन हो गया, जैसे मेरे डिपार्टमेंट में एक भैया का डायरेक्ट रिक्रूट हुआ है एक PSUs में। तो ये बहुत कम ही यूनिवर्सिटी में होता है जहाँ PSU डायरेक्ट रिक्रूट करता है। ओके, अब फोर्थ है कंपल्सरी अटेंडेंस इज नॉट रिक्वायर्ड। मींस तेरा कंपल्सरी अटेंडेंस रिक्वायर्ड नहीं है, एकदम रिक्वायर्ड नहीं है। मींस तुम लोग कॉलेज जाओ ना जाओ किसी को फर्क नहीं पड़ता है, कोई कोई प्रोफेसर तुम्हें कुछ बोलने वाला नहीं है, कंपल्सरी अटेंडेंस रिक्वायर्ड नहीं है। तुम लोग को हमेशा सेमेस्टर में बैठने दिया जाएगा चाहे तुम्हारा अटेंडेंस हो या ना हो। इसका बेनिफिट क्या जानते हो? इसका बेनिफिट एक ही है, मान लो तुम लोग को कुछ एक्स्ट्रा कोर्स करना है, तुम लोग को एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, तो तुम लोग एक्स्ट्रा टाइम निकाल सकते हो इस यूनिवर्सिटी से, क्योंकि अटेंडेंस तुम लोग कंपल्सरी नहीं है, तो तुम लोग एक्स्ट्रा टाइम निकाल सकते हो अलग कोर्सेस करने के लिए। ओके, जैसे कोडिंग किसी को सीखना है, चाहे तुम लोग किसी ग्राफिक डिजाइन सीखना है, तो एक्स्ट्रा टाइम चाहिए उसके लिए, तो तुम लोग एक्स्ट्रा टाइम निकाल सकते हो इस यूनिवर्सिटी से। ओके, पर लैब जितना भी लैब होने वाला है, लैब में 100% अटेंडेंस कंपलसरी है। मींस तुम लोग का कोई अगर लेजिट रीजन नहीं है एब्सेंट करने का, तो तुम्हें लैब एब्सेंट नहीं कर सकते हो, 100% अटेंडेंस कंपलसरी है लैब में। चाहे तुम क्लास करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तुम लोग लैब करना कंपलसरी है। ओके, अब फिफ्थ क्या आता है, रैगिंग फ्री कैंपस। मींस मुझे आज तक किसी ने रैगिंग नहीं किया है, मेरे कोई भैया कोई दीदी किसी ने रैगिंग नहीं किया, ये मैं लिख के बोल सकता हूँ कि तुम लोग कोई रैगिंग करने वाला नहीं है यूनिवर्सिटी में। ओके, ये रैगिंग फ्री कैंपस है पूरा। आजकल ऐसे भी कोई यूनिवर्सिटी में रैगिंग होता नहीं है, पर फिर भी मैं बोल सकता हूँ कि हम लोग कॉलेज में रैगिंग नहीं होता है। ओके, अब आता है कॉन्स। देखो हर यूनिवर्सिटी का कुछ तो प्रोज होते ही है और कॉन्स भी कुछ ना कुछ होते ही है, हम लोग उसको कॉन्स को छिपा सकते नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ ऑनेस्ट रिव्यू कर रहा हूँ, इसलिए कॉन्स को छिपाऊंगा नहीं। कॉन्स क्या क्या है यूनिवर्सिटी के, वो भी मैं बताने वाला हूँ। ओके, पहला क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो ये 1955 का कॉलेज है, ठीक है, तो 1955 का कॉलेज है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को इमेजिन कर सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होने वाला है। प्लस गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर उतना डिसेंट लेवल पर तुम लोग नहीं है एज कम्पेयर टू IITs। बेस्ट IITs IIT खड़गपुर हो गया, IIT मद्रास हो गया, IIT रुड़की हो गया, NIT जमशेदपुर हो गया, NIT दुर्गापुर हो गया, तुम लोग एज कम्पेयर टू NITs एंड IITs उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग यूनिवर्सिटी में नहीं है। पर भाई तुम लोग को इंफ्रास्ट्रक्चर का करना ही क्या है, तुम लोग को पूरा 10,000 में कंप्लीट हो रहा है पूरा अंडर ग्रेजुएट कोर्स, प्लस इतना अच्छा प्लेसमेंट मिल रहा है यूनिवर्सिटी से, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोग धोके थोड़ी पीने वाले हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर उतना डिपेंड नहीं करता है, पर मैं एज अ कॉन्स इसको ले रहा हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर को, क्योंकि एज कम्पेयर टू बाकी IITs NITs या अच्छा यूनिवर्सिटीज में से इंफ्रास्ट्रक्चर इसका उतना अच्छा नहीं है। ओके, सेकेंड है पॉलिटिक्स। देखो तुम लोग पॉलिटिक्स के बारे में तो बहुत सुने होंगे जादवपुर यूनिवर्सिटी के बारे में कि पॉलिटिक्स होता है जादवपुर यूनिवर्सिटी में, पढ़ाई नहीं होता है, पर ऐसा कुछ नहीं है, पॉलिटिक्स होता है मानते हैं, पर तुम्हें कोई फोर्स नहीं करेगा कि तुम लोग रैली में चलो चाहे यहाँ पर चलो, तुम लोग फोर्स में कोई करने वाला नहीं है। अगर तुमको उसका पॉलिसी पसंद आता है, मान लो कोई पार्टी है, ठीक है, जितना भी कोई स्टूडेंट पार्टी है, अगर तुमको पॉलिसी पसंद आता है तो तुम उसका रैली में जाओ या फिर मत जाओ, तुमको कोई फोर्स करने वाला नहीं है यहाँ पर। ओके, तो पॉलिटिक्स एज ए डिमेरिट लेंगे, क्योंकि पूरा मीडिया में पूरा हाइप बना कर रखा हुआ है कि यहाँ सिर्फ पॉलिटिक्स होता है, पढ़ाई नहीं होता है, प्लेसमेंट ठीक नहीं होता है, पूरा मीडिया में हाइप बना कर रखा हुआ है, पर ऐसा नहीं है, पॉलिटिक्स होता है मानते हैं, पर तुमको कोई फोर्स करने वाला नहीं है कि मेरे साथ रैली में चलो या मुझे सपोर्ट करो ये। हाँ, तुमको कोई ना कोई बोलेगा, भैया या कोई बोलेगा, भैया दीदी कोई ना कोई तुमको बोलेंगे, पर तुमको कोई फोर्स नहीं करेगा, बस बोला जाएगा अगर तुमको पॉलिसी पसंद है तो मेरे साथ रैली में चलो, अगर पॉलिसी पसंद नहीं है तो मत जाओ, सिंपल है। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि तुमको रैली में जाना जरूरी है, तुम मीटिंग अटेंड करना जरूरी है। हाँ, पॉलिटिक्स होता है मानते हैं, पर ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि तुमको कंपलसरी है चीज, ठीक है। अब थर्ड आता है रिजल्ट पब्लिश टू लेट। मीन्स जो हम लोग सेमेस्टर एग्जाम होता है उसका रिजल्ट देने में बड़ा लेट कर देता है ये लोग यार। मीन्स मुझे समझ नहीं आता है रिजल्ट इतना लेट देते क्यों है। एग्जाम हो जाते, एग्जाम टाइम पे होते, एकदम सेमेस्टर एग्जाम टाइम पे होंगे, सारे एग्जाम टाइम पे होने वाले, पर रिजल्ट तुम लोग का बहुत लेट आता है। तो ये चीज मुझे लगा कि कौन से ऐड कर सकते हैं, इसलिए मैंने ऐड किया। ओके, तो ये मेरा ओपिनियन था प्रोज एंड कॉन्स जादवपुर यूनिवर्सिटी के बारे में। अब मेरे कुछ दोस्त की वीडियो दिखाने वाला हूँ जिन्होंने बताया कि प्रोज एंड कॉन्स क्या है जादवपुर यूनिवर्सिटी का। ओके, मैं आदित्य अग्रवाल एंड आई एम अ सेकंड ईयर स्टूडेंट ऑफ जादवपुर यूनिवर्सिटी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। फर्स्टली आई विल टेल यू अबाउट ऑल द गुड थिंग्स अबाउट द कॉलेज। द फी स्ट्रक्चर ओवर हियर इज वेरी लो, इट इज 10,000 rupees फॉर 4 years, विच इज प्रोबेबली लो देन द स्मार्टफोन यू आर कैरिंग। सो द इंजीनियरिंग डिग्री यू विल होल्ड will become cheaper than the smartphone you will be holding. Secondly, the seniors over here are very friendly, very encouraging. It's a ragging free campus, which I'm not saying just for show, it's really a ragging free campus. Thirdly, it's located in the main city of Calcutta, and unlike other colleges, it's not in any suburbs of the city, so it will give you a city experience. And lastly, the faculty over here is really friendly and really qualified. And one more thing, the placements over here are really, really good, which makes the return of investment very high. And I guess the return of investment of Jadavpur University is the best in the country.
Now I will tell you about the cons about the college. The very big con which I think is the lack of diversity in our college. Most of the students here are from West Bengal itself or from Bihar. So, and the rest of the states might also don't know about Jadavpur University. So it is not very scalable in terms of diversity. So if you are a person which looks for diversity in a college, so I think Jadavpur University won't suit you. And secondly, the second big con I would like to say is that lack of punctuality. Like if we will give our semesters today, we might get our results like 3 to 4 months after. So if it's a big thing for you, I think you should look into this. And thirdly, I would say the lack of fancy infrastructure. Though our college has all the good equipments in our labs and in our classrooms, but there is no fancy infrastructure in our college, which is quite understandable and acceptable because of the low fee structure. So I think I have given all my points, so thank you. Hi everyone, I am a student of production engineering in Jadavpur University. JU is one of the best universities in India that provides quality education in the least possible price. That's a noteworthy point, isn't it? It has super friendly staff, super helpful teachers as well as the seniors. The seniors will help you at any time, even if it isn't regarding an academic problem. This university has a lot of clubs which will give you a wide exposure. There are certain demerits as well. One of the demerits I think faced by most of the students is the result declaration system. The result as in JUMS is quite inadequate. If you give an exam of first year and you expect the results within 1 or 2 weeks, then you won't get that. You have to wait for 2-3 months. So I think that is only one demerit which I personally face in this college. एक साल बिताने के बाद मेरे माइंड में जो मेनली प्रोज कॉन्स आते हैं, प्रोज है पहला जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, इतना अच्छा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट तुमको इंडिया का कोई और दूसरे कॉलेज में नहीं मिलेगा। 10K में तुम्हारा 4 साल का कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा और प्लेसमेंट तो मालूम ही होगा, प्लेसमेंट चेक कर लेना, इतना अच्छा प्लेसमेंट कोई मतलब स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज आई गेस नहीं दे सकता है। और दूसरी बात आए कॉलेज लाइफ, कॉलेज लाइफ तुम्हारा बहुत चिल रहेगा, दोस्त लोग रहेगा, सब कुछ रहेगा तुम्हारा, जो मूवीज़ में जैसे देखते हो ना, जैसे कॉलेज लाइफ एक जाता है एक स्टूडेंट का, वैसे ही रहेगा, स्टूडेंट ऑफ द ईयर जैसे नहीं रहेगा, वैसा कहीं नहीं होता है भाई। और दूसरी बात चाहो कौन, ये कुछ ज़्यादा ही चिल है इधर, ठीक है, उनको कोई प्रेशर नहीं रहेगा एडमिनिस्ट्रेशन से, कोई मतलब वो नहीं आएगा कि अटेंडेंस मस्ट है, ये सब कुछ नहीं है, पर तुमको अटेंडेंस करना है, तुमको जाना है क्लास करने, नहीं जाओगे तो एग्ज़ाम में तुम्हारा ही कटेगा, ये कौन मेरे को लगता है। दूसरी बात जो है वो है हॉस्टल, हॉस्टल ज़्यादातर लोगों को नहीं मिलता इधर, अगर हॉस्टल मिला तो हॉस्टल लाइफ होगा, अगर हम जैसे को तो हॉस्टल नहीं मिलता है, हम लोग बाहर PGMS में रहते हैं, तो वो हॉस्टल लाइफ एक मेजर मिसिंग है, वो कॉलेज लाइफ का एक इंटीग्रेटेड पार्ट होता है, पर वही मिसिंग है इधर, समझ गया। ये छोटे मोटे जो दो कौन से, आखिरी वाला तो मेरे को एक बड़ा सा कौन सी लगता है, क्योंकि हॉस्टल लाइफ एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट के लिए। According to me, the pros of JU are, firstly, the unity among students, even though a healthy competition still exists. Secondly, the fees of JU is negligible, so it is the best in terms of ROI. Now, the cons, hostels are not allotted to each student here, and I think that's a big issue. Secondly, too much involvement of politics in the campus, but that's entirely up to you. If you don't want, no one could actually force you to get in. Hi, my name is Shaun Dutto from Jadavpur University Production Engineering Department. Jadavpur University ke achcha side bole to Jadavpur University mein bahut kharcha kam hota hai. Tum engineering ka example hi dekh lo, 4 saal mein 10,000 or 20,000 rupaye mein tumhara pura course complete ho jata hai. Aur इस यूनिवर्सिटी में तुम्हारा स्टूडेंट रिलेशन, सीनियर जूनियर रिलेशनशिप, इंटर डिपार्टमेंटल रिलेशनशिप बहुत अच्छा होता है, पूरा एकदम फैमिली टाइप से रहता है। हम लोग का 2 कैंपसेस है, पर कभी सोचते नहीं है ये कैंपस वो कैंपस अलग है, कुछ ऐसे सोचते नहीं है, हम लोग पूरा एक रूफ के अंडर, जादवपुर यूनिवर्सिटी नेम के अंडर पूरा एक फैमिली जैसा है। हम लोग का यूनिवर्सिटी में और एक चीज़ है, वो है पॉलिटिक्स। वो पॉलिटिक्स मेरे हिसाब से बहुत सही चीज़ है, क्योंकि उसकी वजह से हम लोग को इतना फ्रीडम मिलता है, उतना स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, हम लोग का बोलने का हक है सब कुछ, और एक लिमिट तक। पर ये चीज़ किसी के नज़रिया से बुरा चीज़ है, पर मुझे लगता है ये होना चाहिए स्टूडेंट पॉलिटिक्स। और एक चीज़ जो बुरा है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ा बदलाव लाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत पुराना यूनिवर्सिटी है, बिल्डिंग वगैरह
थोड़ा बहुत पुराना है, नया नया बिल्डिंग हो रहा है, रेनोवेशन हो रहा है, पर वो चीज ज्यादा होना चाहिए। थैंक यू। आई एम संदीप प्रसन्न, परसुइंग प्रोडक्शन इंजीनियरिंग UG1 फ्रॉम जादवपुर यूनिवर्सिटी। सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाई वन शुड मेक इट इन दिस यूनिवर्सिटी। द मेजर थिंग इज दैट एवरी स्टूडेंट फियर्स अबाउट दैट गोल्डन रूल ऑफ 75% अटेंडेंस। द यूनिवर्सिटी प्रोवाइड्स नो सच रूल। यू विल बी इन द कंप्लीट फ्रीडम ऑफ 0% अटेंडेंस। सो या यू कैन बी हैप्पी अबाउट इट। But as you know, there are always two sides of a coin. So on the other side of the story, it do has some cons. It has some politically views oriented students. But no worries, no one will be going to force you to give your politically oriented ideas on any of the political parties or anything related such stuff. And the second con is, you can say the 90-10% is your home state and the other state. Yeah, I too belong from the other state. जैसे तुम लोगों ने देखा, ये एक ऑनेस्ट रिव्यू था मेरे और मेरे दोस्त की तरफ से जादवपुर यूनिवर्सिटी के बारे में। आई होप तुम लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे जादवपुर यूनिवर्सिटी के बारे में। और अगर कोई डाउट रह जाता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो या मेरे इंस्टाग्राम हैंडल shubham_twp में पूछ सकते हो। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह का रिव्यू और एजुकेशन रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स, बाय बाय।